हेलो व्यूअर्स, वाली आर्ट करनाल में आपका जो है बहुत बहुत जो है स्वागत है। वेलकम टू वाली आर्ट करनाल। आज फिर मैं आपके लिए एक लैंडस्केप बनाने जा रहा हूँ। मैं बहुत सारे लैंडस्केप आपके लिए बनाऊंगा ताकि आपको जो है लैंडस्केप की प्रैक्टिस हो जाए और आप मेरे साथ साथ बनाइए। सबसे पहले मैं जो यूज़ करने जा रहा हूँ कलर, उसमें है पर्शियन ब्लू, पर्पल और वाइट। हम ग्राउंड से ही शुरू करते हैं, डार्क ग्राउंड लगाना है इसके लिए हमने। डार्क, बिल्कुल डार्क, आप देखें मैं बिल्कुल डार्क कलर यूज कर रहा हूँ। इसमें पर्पल है, ग्रीन है, ब्लू है और ये सारा ग्राउंड हमने जल्दी से डार्क लगा लेना है। इस तरह से डार्क ग्राउंड, बिल्कुल डार्क। आगे बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा ताकि आपको इजीली जो है लैंडस्केप बनाने आ जाए। तो हम सबसे पहले जो है बहुत अच्छी एक ग्राउंड बना लें जो है, सब जो है बहुत डार्क कलर लिया हमने। कलर पर्पल है, नाइट सीन में मोस्टली ये कलर यूज होते हैं। हमने पर्पल लिया है, थोड़ा सा ब्लू लिया है और थोड़ा सा बीच में ग्रीन भी लिया है और इसी तरह से आप इस ग्राउंड को पूरा करें। हमने मास्किंग टेप आसपास लगा रखी है, आप भी लेके मार्केट से मास्किंग टेप लगा सकते हैं, कहीं भी आपको पेंट वाली शॉप से मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। देखिए मैंने आपके लिए ग्राउंड तैयार कर दिया है। इस तरह से ही आप मेरे साथ साथ ग्राउंड पूरा करें और जैसे ही ग्राउंड पूरा हो जाए उसके बाद अगले जो है फंक्शन हम शुरू करते हैं इसके। सबसे पहले हमने ग्राउंड तैयार किया और उसके बाद हम लास्ट में जो है इसको, ग्राउंड के बाद हम इसको व्हाइट से छोटे छोटे बुश बनाते हैं। ख्याल रखें बुश जो है साइडों से बड़े और सेंटर में छोटे। और इसी तरह से आपने जल्दी से इसके ऊपर, क्योंकि अभी ग्राउंड हल्का सा वेटी है, पीछे गीला है, तो आप हल्का हल्का साथ साथ ही, और यहाँ पे क्योंकि बाद में हम जो है मून बनाएंगे तो आप मून की रिफ्लेक्शन पहले ही यहाँ पर लगा लीजिए। हल्का हल्का बीच में सेंटर में हमने दिया है वाइट और इसी तरह से एक हल्की सी लाइन हम और देते हैं वाइट। ये सारा वाइट है जो हल्का हल्का आप बीच बीच में दे सकते हैं। हल्का सा पर्पल फिर से आप लगाएं और हल्के हल्के शेडो भी साथ साथ कवर करते जाएं। अब जो है आपने जो बुश बनाए थे उसके ऊपर हल्की टचिंग करेंगे वाइट से। इसी तरह से आप इधर भी हल्की टचिंग करेंगे वाइट से, नीचे भी आप हल्की टचिंग कर सकते हैं इस तरह से। अब दोबारा से आप एक बार यहाँ पे वाइट जो है टच करेंगे कलर को, यहाँ पे बिल्कुल बीच सेंटर सेंटर में। ये बहुत इजी वाले लैंडस्केप मैं स्टूडेंट्स आपके लिए बनाने जा रहा हूँ ताकि आप इससे जो है सीख सकें, और मोस्टली जो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही ये इजी है और वो बनाएंगे इसको देख करके, तो उनको जो है प्रैक्टिकल में भी हेल्प होगी। जो फाइन आर्ट का प्रैक्टिकल होता है उनका, तो उन्हीं के लिए मैं ये ज़्यादा बनाने जा रहा हूँ ताकि उनको इजीली घर पर बैठ के सीख सके। वो कोई स्टूडेंट आजकल पढ़ने में ज़्यादा बिजी रहते हैं तो सीख नहीं पाते, तो वो घर पे इस क्लास को देख के आप सीख सकते हैं इस ट्यूटोरियल्स के थ्रू। तो हम अब हल्का सा वाइट और लेते हैं और यहाँ पे हल्का सा लाइट सा मून बनाते हैं पहले, क्योंकि पीछे ग्राउंड गीला है अभी और हल्का सा ही मून है हमारे पास। और जब भी आप बनाएं अपने कलर्स जो हैं पास रखें ताकि आपको दोबारा से अगर कलर की ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास वहाँ चाहिए। तो मैं अब थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ उनको, यहाँ पे देखें आप हल्का मैंने इसको डार्क कर दिया। तो डार्क करने के बाद आप हल्के हल्के क्लाउड भी साथ में दे सकते हैं। आप फिंगर से हल्का सा इसको मिक्स कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा ये पिछली ग्राउंड के अंदर जो है मर्ज हो जाए इस तरह से।
इस तरह से हमने क्लाउड्स दिए हैं। बहुत इजी इजी लैंडस्केप में आपको करा रहा हूँ ताकि आप सीख सकें इससे और आपको ज़्यादा टफ भी ना लगे। आप देखें हल्का हल्का हमने यहाँ पे मून का जो है रिफ्लेक्शन साथ में दे दिया। अब इसी में से हम एक साइड पे एजिस करते हैं और यहाँ पे मैंने डार्क जो है कलर का एज लगाना है यहाँ पे हल्का सा किनारा। और इस किनारे पे आप चाहें तो आप कोकोनट ट्री बना सकते हैं या सिंपल ट्री भी बना सकते हैं। तो मैं अभी आपको सिंपल ट्री कराऊंगा ताकि बाद में आपको कोकोनट ट्री की प्रैक्टिस कराने के बाद ट्रीज की फिर आपको मैं ये वीडियो में और अच्छा टफ काम कराने वाला हूँ आगे। लेकिन अभी हमने ये आपके लिए जो है इजी वाले लैंडस्केप तैयार करने ताकि आप सीख सकें इससे। हल्का हल्का वाइट नीचे भी आप देंगे और इसी तरह से यहाँ पर भी आप हल्का हल्का वाइट देते हैं। अब हम ब्रश नंबर जो है 4 यूज़ कर रहे हैं राउंड, और राउंड 4 यूज़ करके हमने यहाँ पे जो है बारीक सा आप देखें ट्री का जो स्टम्प, आप ट्रंक भी कह सकते हैं स्टम्प बोल रहा हूँ ताकि वो स्टम्प की तरह नज़र आए। और इस तरह हमने यहाँ पे एक ट्री जो है की ब्रांचेज भी हल्की हल्की बनाई है, और क्योंकि हमारी सन की जो है लाइट साइड से आ रही है तो हम हल्का हल्का बीच में इसको भी इंक्लूड करते हैं ताकि वो ब्रांचेज के ऊपर भी हल्का सा रिफ्लेक्शन लगे। अब हमारे पास है सी स्पॉन्ज। सी स्पॉन्ज का मैंने पहले भी यूज़ किया है और मैं फिर से आपको सी स्पॉन्ज का यूज़ बता रहा हूँ। सी स्पॉन्ज बहुत काम की चीज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम जो है सी स्पॉन्ज से ही इसके ऊपर टचिंग लगाते हैं। टचिंग लगाते वक्त ध्यान रखें कि आपका जो है सी स्पॉन्ज थोड़ा जो है ड्राई होना चाहिए, ज़्यादा जो है उसमें पानी नहीं होना चाहिए नहीं तो कलर आपके नीचे ड्रॉप होने का खतरा। इस तरह से हमने अब देखिए सी स्पॉन्ज से भी हमने अब लगा दी है टचिंग ट्री की, और हल्का सा आप इस लाइन को डार्क करेंगे, इधर भी हल्का सा डार्क करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा पर्शियन ब्लू और पर्पल मिक्स करके लगा सकते हैं, या फिर आप हल्का सा कहीं कहीं ब्लैक का टच लगाएंगे। लेकिन ब्लैक को कभी भी लगाएं तो मिक्सिंग जो है ब्लैक की किसी कलर के साथ कर लें। और इस तरह से आपने हाँ आप चाहते हैं तो फोरग्राउंड के जो हल्के हल्के बुश हैं उनमें भी आप हल्के हल्के आप ब्रांचेस का लुक दे सकते हैं बिल्कुल लाइट लाइट। तो ये हमारे पास जो है आपका जो लैंडस्केप तैयार है, और इसकी अब मैं जो है साइडों की टेप रिमूव कर रहा हूँ जो मैंने मास्किंग टेप लगा रखी है। आप देखें मास्किंग टेप मैंने उतार दी है साइडों से और ये आपको बिल्कुल क्लीन लुक में नज़र आ रहा है। आप देखें कितना ब्यूटीफुल लैंडस्केप आपके लिए जो है तैयार है, खूबसूरत। और इस तरह से हम आपके लिए और भी बहुत सारे लैंडस्केप्स तैयार करेंगे ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, आप खुद सीख सकें इस ट्यूटोरियल को देख करके। पूरा ट्यूटोरियल हमने आपके लिए बनाया है, तो याद रखें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वाले आर्ट कर्नल पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे जिससे आपकी हेल्प हो सकेगी, आप सभी स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छा सीख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।